इन दिनों पूरे देश में बचा चोरी के आरोप में भीड़ के जरिए शक के आधार पर लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के मनमाड इलाके में पेश आया है, लेकिन भीड़ ने जब बचा चोरी के आरोप में मारना शुरू किया तो एक मुस्लिम युवक आगे आया और भीड़ से उन हिंदू लड़कों को अपनी जान पर खेल कर बचा लिया है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही महाराष्ट्र में ही बच्चा चोरी के आरोप में 5 लोगों की जान ली जा चुकी है। वहीं बीते दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन एक मुस्लिम युवक ने आगे बढ़कर इन लोगों को बचा लिया है। जिन लोगों को मारा जा रहा था उसमें एक महिला और एक छोटा बच्चा भी शामिल था। अगर यह युवक आगे न आता तो महाराष्ट्र में 5 लोगों की जान और चली जाती। यह मामला मनमाड के आजाद नगर इलाके का है, जहां 5 लोगों पर वहां के लोगों को शक हुआ कि यह लोग बच्चा चोर हैं। शक के आधार पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। गुस्से में भीड़ उन्हें पीट पीट कर मार डालती। इसी दौरान वहां पर एक वसीम नाम का लड़का पहुंचता है और जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लेता है। वसीम ने जब इन 5 लोगों को बचाया तो भीड़ ने गुस्से में वसीम के घर पर ही हमला कर दिया। इसी दौरान वहां पर पुलिस आ गई और किसी तरह से भीड़ को काबू में किया। आपको बता दें कि भीड़ ने गुस्से में पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि यह लोग बात से नहीं मान रहे हैं तो पुलिस ने हल्के ताकत का इस्तेमाल किया और भीड़ को वहां से खदेड़ा।